मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के जुरिबाम दौरे से पहले सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों का हमला, एक सुरक्षाकर्मी हुआ जख्मी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के रियासी बम हमले में अबू हमजा और अदून नाम के दो विदेशी आतंकियों के शामिल होने की आशंका, दोनों संदिग्धों की तस्वीर जारी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा का दावा, दो आतंकियों ने हमले को दिया अंजाम, दोनों की तलाश जारी। रियासी के आतंकी हमले में घायल लोगों से अस्पताल पहुंचकर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की, बस में सवार 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। रियासी में आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, घायलों को हो रही है बचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से कुछ देर पहले का सीसीटीवी सामने आया, यात्रियों को लेकर सफर पर आगे बढ़ती दिख रही है बस। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने किया अटैक, हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत। घाटी में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए जमीन से लेकर आसमान से निगहबानी, घने जंगलों में तलाशी के लिए नेत्रा ड्रोन के लिए जा रही मदद। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद अलर्ट, हादसे के पीछे की एक एक सबूत जुटाने में जुटी एफएसएल टीम। रियासी में आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का प्रहार, भूपेश बघेल ने कहा रियासी हमले में सरकार के दावों की पोल खुल गई। पीएम मोदी ने संभाला पदभार, तीसरे कार्यकाल के पहले दिन जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने, आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, अगले 100 दिन के एजेंडे पर हो सकता है मंथन, बैठक के बाद नए मंत्रियों को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा देंगे डिनर। दिल्ली में अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मिले योगी आदित्यनाथ, मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर तीनों नेताओं को दी बधाई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन, कौशाम्बी सीट के पार्टी प्रत्याशी समेत कई पदाधिकारियों को बीएसपी से बाहर किया। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन मुलाकातों का दौर जारी, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शपथ ग्रहण में आए राष्ट्र अध्यक्षों से मिले एस जयशंकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू से मुलाकात हुई, मॉरिशस और नेपाल के पीएम से भी मिले। पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह, सुबह से ही बधाई देने वालों का लगा तांता, मल्होत्रा ने कहा क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें पूरी हुई। देशभर से आए कैट से जुड़े व्यापारियों ने दिल्ली में धन्यवाद मोदी जी के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया, समर्थकों के साथ जमकर झूमे चांदनी चौक से निर्वाचित प्रवीण खंडेलवाल। मंत्री बनने के बाद एबीपी न्यूज से बोले गिरिराज सिंह, कहा मोदी की नीतियां स्पष्ट, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर करना है काम। कल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज भगवान की शरण में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मोदी कैबिनेट में शामिल अजय टमटा का बयान, कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग थोड़ी ही देर में लेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ, दूसरी बार संभालेंगे कमान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री, 12 जून को ओडिशा में शपथ ग्रहण। ओडिशा में सरकार के गठन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव, 78 सीट जीतकर बीजेपी को मिला है बहुमत। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू, विजयवाड़ा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। दिल्ली में पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, दोनों के बीच बिहार के चुनाव परिणामों पर गहन चर्चा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बनने वाले पप्पू यादव ने तेजस्वी को युवराज कहकर तंज किया, कहा तेजस्वी को सियासत सीखने की जरूरत। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद जेडीयू के हौसले बुलंद, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र बोले नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा 2024 का विधानसभा चुनाव। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। पानी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन का किया घेराव, हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का।
दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट बरकरार। ओखला समेत कई मोहल्लों में टैंकर से की जा रही है पानी की सप्लाई। पानी के मुद्दे पर हरियाणा से विवाद के बीच दिल्ली के एलजी से मिली मंत्री आतिशी। एलजी ने हरियाणा से बात करने का आश्वासन दिया। दिल्ली में जल संकट पर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा बीजेपी हेडक्वार्टर के हिसाब से काम कर रहा है एलजी।